नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम ऑटोसार के बारे में बात करने वाले हैं। ऑटोसार की जो स्थापना है वो 2003 के अंदर हुई थी और ऑटोसार की फुल फॉर्म जो है यहाँ पे ऑटोमोटिव ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है। अब इसको बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हम जो जितने भी हमारे फंडामेंटल सिस्टम्स होते हैं या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं हम उनको जो है एक सिस्टम पे लाना चाहते थे। इससे पहले क्या होता था कि जितने भी OEMs हैं, जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, वो अपना तरीके से जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। मान लीजिए कि Hyundai अगर ABS इस्तेमाल कर रही है तो उसके लिए जो है वो दूसरा सिस्टम इस्तेमाल करती थी, वहीं पे जो है टोयोटा अगर उस चीज को इस्तेमाल करती थी तो उस चीज के लिए वो अलग सॉफ्टवेयर अलग डिजाइनिंग्स का इस्तेमाल करती थी। तो इससे होता क्या था कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गए थे। जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर थे उनको जो है प्रॉब्लम फेस हो रही थी इस प्रोजेक्ट को करने में अलग अलग कंपनीज के लिए, क्योंकि कभी भी जो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक कंपनी के लिए काम नहीं करते, वो अलग अलग कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो इन सब चीजों को जो है बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जितने भी OEMs थे, जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने जो है ऑटोसार का जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ऑटोसार क्या करता है, बेसिकली आपको जो है एज अ मैन्युफैक्चरर आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उस सॉफ्टवेयर को जो है आप फिर अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक जो है कंडीशन है कि जितने भी ऑटोसार के सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके ECU पे चलने चाहिए। इससे होता क्या है कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी जो थे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर वो बढ़ा। इससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपको ECU की रिमैपिंग करनी है, Hyundai की ECU की रिमैपिंग करनी है, टोयोटा की, तो इन सब चीजों को जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे लाने से क्या हुआ कि अलग अलग कंपनीज को अलग अलग चीजों के लिए कोडिंग्स नहीं करनी पड़ी। कोडिंग्स जो है बेसिकली आप अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। एक ऐसा मान लीजिए कॉमन लैंग्वेज होगा, जिस तरीके से आपका C++, Python और ये सब चीजें होती हैं, उसमें से जो है हमने सिर्फ Python को या फिर C++ को जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया कि हर कंपनी जो है इसको ही इस्तेमाल करेगी, इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगी, और बाकी अपने हिसाब से जो है आपको जो रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अंदर ऐड करते चले जाइए। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऑटोसार जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर डेवलप होना शुरू हो गया। लेकिन वही कंडीशन जो मैंने वो बताई कि उनको जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म या फिर उनके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ऑटोसार के वो आपके ECU पे चलने चाहिए। अब इसका सबसे पहला एडवांटेज ये हुआ कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, वो सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई। दूसरा इसके अंदर ये हुआ कि हमारे जितने भी ECUs थे अलग अलग सब डोमेन्स के लिए को जो है हमने चेंज किया। अब इसके अंदर जो है हमारा क्या हुआ कि एक मास्टर ECU हो गया और बाकी जो है हमारे स्लेव्स ECU आ गए। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि नंबर ऑफ ECUs जो आपके कार के अंदर थे वो कम हो गए। पहले क्या होता कि आपकी कार के अंदर जो है कम से कम आपको पुराने जितने भी आप देखेंगे लग्जरी व्हीकल्स में कम से कम 20 से लेकर 80 तक जो है ECUs आपको देखने को मिलते थे। लेकिन इन फ्यूचर जो है इन सब चीजों को हम कम करते चले जा रहे हैं और एक ही ECU से जो है हम अलग अलग मॉड्यूल्स को नेटवर्किंग के थ्रू जो है कम करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक हमारा मेन कंप्यूटर है, उस मेन कंप्यूटर के सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं और उस सब डिवाइडेड पार्ट्स के अलग अलग चीजें हैं। इससे क्या हुआ कि हमारे ECUs जितने भी थे उनको जो है हमने कम कर दिया और कुछ जो है इसके अंदर से एज अ मेन कंप्यूटर भी काम करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसके अंदर ये आया कि आने वाले फ्यूचर्स में ऑटोसार जो है इन सब चीजों को डेवलप कर रहा है और डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो देख रहा है कि जितनी भी पुरानी व्हीकल्स हैं, ऐसा मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई पुराना Hyundai का व्हीकल है उसके अंदर आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आपको सिर्फ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स वहां लगाने पड़ेंगे और ECU को आपको कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को जो है आप उसके अंदर इनबिल्ट कर दीजिए या फिर सॉफ्टवेयर्स को जो है उसके अंदर रीप्रोग्राम कर दीजिए और वो सिस्टम आपकी व्हीकल्स के लिए जो है रेडी टू यूज हो जाएगा। तो इन सब चीजों को भी जो है ऑटोसार धीरे धीरे डेवलप करता चला जा रहा है। और आखिरी जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसके अंदर ये आया कि इसके अंदर जो हमारा कॉस्ट था और टाइम था किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, वो सब चीजें भी जो है हमारे इसके अंदर ऑटोसार के अंदर कम हो गई। आशा करता हूं आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी ऑटोसार के ऊपर। अगली वीडियो में जो है हम बात करेंगे जितने भी कितने तरीके के जो हमारे नेटवर्किंग सिस्टम्स होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या उनके एडवांटेज हैं और क्यों उनको इस्तेमाल किया जाता है। सब चीजों के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां हमें जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, क्योंकि हर हफ्ते ही जो हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।